जेल के अंदर भी अपराधी अब बेखौफ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आज दो बदमाशों में भीषण गैंगवार हो गई। इस गैंगवार में तीन अपराधी मारे गए। स्थिति को संभालने में पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। चित्रकूट जेल में अंशुल दीक्षित ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। डबल मर्डर करने वाले अंशुल दीक्षित को जेल पुलिस ने मार गिराया। चित्रकूट जेल के अंदर तीन बड़े अपराधी मारे गए। जेल में मारा गया मुकीम काला वही अपराधी जिसने NIA अफसर तंजील अहमद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। दूसरा मिराजुद्दीन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। बनारस जेल से चित्रकूट भेजा गया था। कुख्यात अपराधी अंशुल का जेल से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह फोन पर पैसा मांग रहा था। तो बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौके वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशुल दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ है जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है जो कि बनारस का रहने वाला है उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष 12 जिसे पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंशु दीक्षित वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशरी।